अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? चले करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। बोल रही हूँ जोर से क्योंकि यहाँ पे है शोर। तो बैठी हूँ जी मैं क्लीनो वाली शॉप पे कि मैं बाहर ही, और मैंने सोचा कि क्लीन भी ले लेती हूँ। ऐसे ही ना असद, असद भी मेरे साथ है, शानी मेरे साथ है। और जो क्लीन हमने लिया है भाई साहब, वो ये कटिंग हो रहा है। क्लीन दिखाओ जरा जोर साहब ने लिया, और वो मैट शैट लिए, मैट इधर लेके आओ। ये आ गया जी हमारा क्लीन। ये जो है हमने मैट लिए हैं तीन, तीसरा किधर है? ये दो तीन है। अच्छा जी, खान भाई की वीडियो बनाओ जी। ये खान भाई बहुत अच्छे हैं, और इनकी शॉप पे आए और इनसे खरीदारी करें। रेट बहुत रिजनेबल है, बहुत मुनासिब करके चीज़ें देते हैं, ठीक है। इनका जो वो ड्रेस है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग किसी ने भी अगर लेनी हो चीज़ें, तो ये सैदपुर रोड पे शॉप है, ऐसा ही है ना? अपना कार्ड देना ना, वो उसमें मैं लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आए और ख़रीदारी करें। हमने तो खरीद ली है, और सेटिंग करके फाइनल फिर रूम दिखाएंगे। भाई ये खान भाई को हमने दे दिया बिल, ये ले खान भाई, ये खान भाई ने दिया हमें कार्ड, ये हम मेंशन करेंगे उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो खान भाई को देख लें, अच्छे से पहचान लेने की शॉप पे आना है। माशाल्लाह भाई ने बहुत कोऑपरेट किया है हमारे साथ, ठीक है। आप भी शॉप पे होते हैं? जी जी, ये भाई भी शॉप पे होता है, इनको भी ये भी हो सकते हैं शॉप के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास काफ़ी कस्टमर आएंगे इंशाल्लाह। और आप लोग ने आके बताना है कि बेबो की रोशनी की तरफ से, बेबो आप ही की तरफ से आए हैं, तो आपको माशाल्लाह से अच्छा डिस्काउंट करके चीज़ें देंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, आज और भी बड़ा बहुत बड़े मिशन है हमारे निकले हुए, जिन मिशनों पे चल के वो पूरे करते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो आप देख रहे होंगे कि मैं खा रही हूँ चिप्स, मैं जब बहुत लगी है भूख, मेरे सर में हो रही है दर्द, इन बच्चों ने मेरा 500 ले गया, मेरे लिए जूस भी नहीं लेके आए। तो यहाँ पे मैं क्यों बैठी हूँ और क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैंने खरीदा है एक सोफ़ा जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, आएगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, उसके बाद घर जाके उसकी सेटिंग करेंगे, वो दिखाएंगे। क्योंकि पहले वाली काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना घर से मैंने निकाल दी, जब मैंने पेंट कराया था जो पुराना फर्नीचर था, मैंने कहा इसको उठाओ और आस्ता आस्ता नए की एंट्री मारो। तो इंशाल्लाह अभी हम शुरू हो गए नए लाने। सोफ़ा दिखाओ शानी, सोफ़ा दिखाओ कैसा है। अभी जी ये रैप है, घर जाके इसको अनपैक करके हम आपको दोबारा रख रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत है, वो शॉपर के अंदर से शायद अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा। हाँ, अनपैक तो करके जाके जब सेटिंग करेंगे जिस रूम में इसको रखेंगे ना, आप लोगों को दिखाएंगे। तो सोफा लेकर चलते हैं घर, तो फिर मिलते हैं घर पहुँच कर। उम्मीद है कि आपको वो व्लॉग बहुत पसंद आया होगा जिसमें ये पर्दों की सेटिंग वेटिंग मैंने सब कुछ किया, ठीक है। और अब मैंने ये करना है कि ये देखें, ये सारी जगह इधर ना खाली है, और ये जहाँ पे ये पर्दे लगे हुए ना, ये भी जगह सारी खाली है, ठीक है। इस तरफ आ जाता है मेरा बेड, यानी ये बेड के अपोजिट, बेड के सामने वाली जो साइड है ना, जहाँ पर मेरा पहले दीवान पड़ा हुआ था। अब यहाँ के लिए मैंने कुछ सीटिंग लेके आनी है छोटे साइज़ की, मैं आपको बैक कैम करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये जो जगह है ना, ये वाली, ये सारी जगह खाली है, ये देखें इधर, यहाँ पे सीटिंग आएगी, और वो अभी मैं लेने जाऊँगी। और ये मैंने पेंट कराया था, यहाँ से सारा पेंट गया है, उखड़ फूल गया था, अभी यहाँ के लिए पेंट भी लेके आना है, और वो भी यहाँ पे लगाना है, ये नीचे भी, ये देखें। बस ये इसी जगह से हुआ है, बाकी टोटल पूरा रूम ठीक है, पूरे रूम का पेंट ठीक है, ये देख लें। सिर्फ ये एक जगह से ना यहाँ पे सेम थी मेरे ख्याल में, यहाँ पे पेंट लेके लगाते हैं, और ये जो सिटिंग एरिया बनाना है हमने रूम में, जा टू चेयर्स रखनी है या जो भी, वो लेने जा रहे हैं। तो आज वो फिर लेके आते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो ढूंढ ढूंढ के हम ना जो हमें रूम के लिए चाहिए कुछ सिटिंग, जगह भी कम है, हम चाहते हैं उसके मुताबिक कोई यूनिक चीज़, कोई खूबसूरत चीज़ हमें मिले, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। और ऊपर से पता क्या हुआ है, हमारा जो दिमाग पता नहीं कम हो गया ज्यादा बोल बोल के, या क्या मसला है। आज है संडे, संडे को निकला है, मार्केटें हैं बंद, लेकिन फिर भी हमारे जैसी वाम भी है आगे, शॉपों वाले भी थोड़ी थोड़ी दुकानों के शटर उठा के ना लोग भी आगे बैठे हुए, वो भी वेलकम कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ खरीद लो कुछ।
तो जनाब थक थक के देख देख के कोई काम की चीज तो नजर नहीं आई, तो हमने सोचा कि चलें पहले जो है ना थोड़ा सा खा पी लेते हैं। मेरा तो शेक आ गया है, शानी का आ रहा है, अभी ये पीते हैं। उसके बाद एक जगह पे हम एक सोफा देख के आए थे, बहुत खूबसूरत सीट थी, और वो आजकल ना मार्केट में न्यू इन हुई है, ठीक है। मेरा उसी पे दिल जा रहा है बार बार, उसको हम छोड़ रहे थे कि आगे देखते हैं अगर इससे अच्छा कुछ मिल गया, ठीक है, नहीं तो फिर ये लेंगे आके। तो अब देखते हैं जाके, अगर वो चीज हमें मिल गई तो हम यहाँ से जूस पी के निकलते हैं, तो उसी को ही लेते हैं, वो आपको फिर दिखाएंगे। आ गया आपका शेक? आ गया, आ गया। लो जी लो जी लो, शानी का शेक भी गया है जी। आ लेट हो गया जरा, कोई मसला। अच्छा पानी की बोतल होगी सादा छोटी, अक्वा ठंडा मिलेगा ना? ठंडा मिलेगा, दे दे जरा। हाँ शानी, मेरे व्यूअर्स से सलाम दुआ करोगे? हेलो व्यूअर्स, कैसे हो यार? सॉरी लड़ाई के बाद आज मुलाकात हो रही है। बेसिकली थोड़े से हम हो गए थे बीमार, मैं और असद, तो रिसेंटली उसमें से सफरिंग करके सारा कुछ करके आ गए ना, तो अभी थोड़ी तबीयत सेट हुई है। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। यार व्यूज बड़े कम हो गए, क्या हुआ यार? जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तब आप सब नानी दे रहे का थे। टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, लोग पूछ रहे नानी का क्या बना। नानी का अभी चल रहा है जनाब, इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा जल्दी, टेंशन ना लो। नानी ने किसके साथ पंगा लिया ये तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चले हम निकलते हैं, फिर देखते हैं चल के क्या आज हम क्या खरीदते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। मुझे यहाँ पे एक बात जरूरी आप सबके साथ करनी थी कि जिसकी वजह से हम सब का ही तकरीबन निजाम खराब हो रहा है कोरोना की वजह से। ये देखे सब दुकानें बंद हैं, लेकिन यहाँ पे कल मैं बेड शीटें दे के गई थी। हाँ जी, ये तकिए आ गए, बेड शीटें तकिए वगैरह सिलाई करने के लिए। मतलब लोग अब कैसे काम कर रहे हैं बेचारे, मजबूरी के मारे। देखो ना, काम भी टाइम पे करके देना, वो अंदर से थोड़ा सा उसने शटर उठाया है और ये बेड शीटें वगैरह जो ना हमें दे रहा है। ये मैंने कहा कह रहा पैकिंग करके, मैंने कहा भाई ऐसे ही दे दो हमें, पैकिंग ना करो, हमने घर में यूज़ ही करनी है, खुद ही हम कर लेंगे प्रेस प्रूस इनको, बस हमें ऐसे ही दे दो। तो कोरोना पता नहीं कब जान छोड़ेगा, और ये लॉकडाउन ये पता नहीं कब जान छोड़ेगा। और मुझे ये समझ नहीं आती कि हफ्ते में दो दिन लॉकडाउन, बाकी जो चार पाँच दिन है उसमें कोई मतलब। गाइस ये थे मेरे और चाची के फेवरेट, प्रॉब्लम नहीं बनती, और दो दिन में आके जो कोरोना पड़ रहा है ये बहुत अजीब बात है। ये मुझे समझ इसकी ना आई हुई है, लेकिन बस उसको मैं बयान नहीं करना चाहती। बहरहाल हमने बेड शीटें ले ली, और इसके बाद अगला जो हमारा वो सोफे वाला ही है, उस भाई से हम नंबर लेके थे, उसको हमने कॉल कर दिए कि भाई सोफा बेचना ना, हम आते हैं जी। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज कुछ सीन मारे इस तरह मैं, क्यों था संडे था और मार्केटें बंद थी। जिस सोफे वाले को हमने बोला था कि वेट करो, लेकिन हम रश की वजह से, कमर्शियल वाली साइड पर रश था बहुत ज़्यादा, हम वहाँ पहुँच नहीं सके, वो फिर वेट करते करते चला गया। अब जो है सोफ़ा हम कल या परसों खरीदेंगे, उससे ठीक हो गया। तो उसके बाद हम पहुँच गए घर, और बेड शीट हम ले आए थे, अभी एक बेड शीट हम बिछाने वाले हैं, वो हम आप बिछाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखेंगे जी बेड शीट की लुक कैसी लग रही है, और ये कलर कैसा है जो मेरी पसंद का था। अगर किसी को पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर 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 बताना। थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ, ये वाला डिज़ाइन की मैं बात कर रही थी, ये जो साइड पर चला गया, जो उन्होंने कहा था पैरों की तरफ आ गया, लेकिन उस तरह फिर बेड शीट पूरी नहीं आ रही थी। ये है जी मेरा भालू, ये देखें। अच्छा जी, तो ये वाला व्लॉग जो है ना मैं इधर ही एंड करूँगी, आप सबसे मैं चाहूँगी इजाज़त। तो इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने रूम के लिए क्या लिया है, किस तरह की सीटिंग मैंने ली है, किस तरह की नहीं ली, फिर आपको पूरा रूम टूर दूँगी, क्योंकि अभी तो सामने वाली साइड पड़ी है खाली, जिस तरफ मैंने लगाए हैं पर्दे, ये जिधर खड़ा है खान, ठीक है, इस तरफ ला के मैंने वो सीट वगैरह की ना जो सेटिंग करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।